नमस्कार दोस्तों, रेसिपी किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज की रेसिपी में बनाने जा रहे हैं सेम की सब्ज़ी। इसके लिए आधा किलो सेम ले लिए हैं, इसको दो तीन पानी से धो लिए हैं। इसका नीचे ऊपर का रेशा सब निकाल लेंगे, खाने के साथ मुंह में जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसका हटाना ज़रूरी रहता है। देखिए इसी तरह से सब निकाल लेंगे। इसको काट लिए हैं मीडियम साइज में, सब काट लिए हैं, आलू भी काट लिए हैं। चलते हैं कुकर की तरफ। कुकर में तेल डाल दे रहे हैं, तेल गर्म हो जाता है। इसमें डाल दे रहे हैं तेजपात, लाल मिर्च, हींग हो गई, बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज डाल दे रहे हैं। इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज ब्राउन हो गई है, बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दे रहे हैं, इसको भूनेंगे। अब इसमें डाल दे रहे हैं सेम, इसके बाद आलू डाल के इसको कुछ देर तक भूनेंगे। कढ़ाई में तो सभी लोग बनाते हैं, एक बार कुकर में बना के देखिए, बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है, टेस्टी भी होती है। सब्ज़ी भुन गई है, इसमें मसाला डाल दे रहे हैं। ये काली मिर्च, इलायची, जीरा, दालचीनी सब पीस के रख लिए हैं। गरम मसाला, ये सब्जी मसाला हो गया, हल्दी हो गई, ये काश्मीरी लाल मिर्च हो गई, स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसाला भून लेते हैं। मसाला भुन गया है, इसमें पानी डाल दे रहे हैं थोड़ा सा, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी है। इसका ढक्कन लगा दे रहे हैं। एक से डेढ़ सीटी आने तक इसको पकाएंगे। सीटी आ गई है, गैस बंद कर दे रहे हैं। आलू सेम की सब्ज़ी बनके तैयार है। एक बार इस तरीके से बना के देखिए, अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।